मैं अपने गुरु दे सावन कृपाल दा धन्नवाद करदा हां जिसने इस गरीब आत्मा ते तपदी आत्मा ते अपनी दया दृष्टि नाम दा अमृत पला के तपदी आत्मा नूं ठारिया। संत महात्मा मालिक दे प्यारे कोई कौम या समाज बनाने वास्ते नहीं आते, वो सानू दसते है कि वो परमात्मा जिसकी कि साड़ी आत्मा अंश है उसनू भुल के किस तरह इसने दुखां दे पाए अपने उपर लद ले है। जिथे भी जन्म है उत्थे परेशानी है। आप प्यार ना कहिंदे है गुरु नानक जी, अपनी माया आप पसारी आपे देखण हारा। आप ही ओह हुक्म दे जरिए नाम दे जरिए ये दुनिया का पसारा करता है। आप ही बैठ के सब कुछ देखता है। नाना रूप तरे बहु रंगी उसे ने ही अनेक प्रकार दे नाना प्रकार दे रूप धारण किते है। किते पशु दा है, किते पंछी दा है, किते देवी दा है, देवते दा है, गंधर्व दा है, किते टेढ़ियां जूनां दे अंदर फिरदा है। और इन्ना कुछ करके फिर भी आप न्यारा है। जिस तरह कोई सोने की लठ है उहदे विचों आपां गहने बनाउने हैं, गहने बन जाते हैं, लठ खत्म हो जाती है, लेकिन परमात्मा ने सब जिया जीवन पैदा करके उहदी हौद खत्म नहीं हुंदी गी। वो उस तरह ही परमात्मा मौजूद रहिंदा है, वो घटदा नहीं गा, वो सदा ही कायम है। महात्मा मिसाल दे के समझाते हैं कि जिस तरह एक राजा सी, उस राजे दे एक कन्या लड़की सी, दिल दे विच ख्याल आया कि मैं बैठा बैठा इस कन्या दी शादी कर जावा और वर भी ऐसा होवे कि जेड़ा योग होवे, अच्छा होवे, कहेकार होवे, क्योंकि मैं उसनू लड़की भी देनी है कन्या और अपना राजपाट भी उसे नूं देना है। राजे ने प्रजा दे अगे शर्त रख दित्ती कि मैं अपनी कन्या दी शादी लड़की दी उस ना करूंगा जो मैनू लुके हुए नूं भाल लवे। जद ये मनियादी शहर दे विच कीती गई, हर नौजवान खुशियां मनाउण लग्या वे राजे का पालना की मुश्किल है, आपा हुणे भाल लैने हैं। सब आपो अपने थाई आपो अपनी पहुंच के मुताबिक घरों निकले, अच्छे कपड़े लीड़े पा के निकले, तैयारी करके निकले और बादशाह ने भेस बदल के माली का एक बाग दे विच आप दे विच बैठ गया। और जो छड़क उधर जा रही सी बाग की तरफ, ओदे उपर किते अच्छे खाने बन रहे सी, मीट शराब, किते अच्छियां औरतां नाच कर रही सन, किते रागी राग गा रहे सन, क्या हर प्रकार का मुजरा ओ छड़क दे उपर सी। नौजवान घरों तैयारी करके निकलते है, जो जो किसी नूं चस्का सी इंद्री दा, अख दी इंद्री रूप देख के उन्हां औरतां दा ठहर गई कि गाहां की जाना है, बस यही सब कुछ है, भाल लांगे राजे नूं किधर चलिया है। इस तरह जिन्हां नूं जवान दा चस्का सीगा, जवान दी इंद्री दे असरे ठा के चलो इस नूं मीट शराब नूं खाओ पियो, बथेरा वक्त है, बादशाह नूं भाल लांगे, किधर चलिया है। आखिर
इसे तरह जिन्हां नूं माया दा प्यार सी ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹਰਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਲ ਲਾਂਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਲੀਏ। ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਨਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਠਹਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਖਰ ਉਹ ਬਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲੀਆਂ ਜੈਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਜੌਹਰੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਾਲੀ ਜੈਸੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਲੀ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਦ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਣਿਆ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕਾਬਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਚੋਗੇ ਖੰਡਾਏ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਉਸ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ ਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਬੈਰੂਪੀਆ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੁਪਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ 'ਚ ਵੜਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਪਿਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ,
लेकिन जब तक ओहदे विच बैठा है वो एक कुदरत दे निजमां दे मुताबक अपना जीवन जींदा है, बहुत छोटा जा। तो कदे भी देह च बैठ के नहीं कहिंदा कि मैं संत हाँ या मैं किसी का गुरु हाँ या मैं पीर हाँ या मैनू कोई गुरु पीर कहो या कोई ओहदा इह ते या कोई ऐसा ओहदा मकसद होवे भई मैं अपना कोई मतलब दुनिया तो पूरा करा, ऐसा नहीं हुंदा गा। परमात्मा ने उहनू भेजिया ही परोपकार वास्ते है, ओहदी ड्यूटी है कि तू जा आत्मा नू समझा के मेरे नाल जोड़। ऐसा महात्मा जब संसार विच आउंदा है ओ साडी सुरत नू शब्द दे नाल जोड़दा है, नाम नाल जोड़दा है। ओ ना तां साथों कोई कौम छड़ाउंदा है, ना कोई समाज छड़ाउंदा है, ना कोई बोले बदलाउंदा है, ना उसदी कोई फीस ही रखी है। अगर कोई मुफ्त दा साडा दोस्त है या नौकर है तो वो महात्मा है जो बगैर मजदूरी तो साडा बोझा चुकदा है। हुण अज जे असीं दुनिया दे विच निगाह मारीए किन्ने कैसे महात्मा मिल जाणगे जिहड़े कि बगैर मजदूरी तो बोझा चुकदे होण और साडी जिम्मेवारी लैण ले प्यारिया जो असीं तैनूं दसदे हां तू इस ते चल के देख, क्योंकि किसे दरख्त दा फल खाण तो पता लगदा है कि ये कैसा दरख्त है। संत कहिंदे है कि नाम जपण तो पता लगदा है कि नाम दा कैसा स्वाद है, सत्संग दी की महिमा है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है कि वो मजबूत दिल जिसने सब इंद्रियां दे भोगां नूं त्याग के एक एस देखिया कि वह परमात्मा बादशाह नूं मैं मिलना है, वो उसनूं मिल लैंदा है, कोई उस तो दूर नहीं हुंदा गा। परमात्मा गुरु तेग बहादुर साहिब कहिंदे है साडे अंदर है। अगर वह मंदिर विच हुंदा परमात्मा वो पुजारियां नूं मिल जांदा, गुरुद्वारे च हुंदा भाइयां नूं मिल जांदा, अगर वह मस्जिद विच हुंदा तां मौलवियां नूं मिल जांदा, चर्च दे विच वह परमात्मा बैठा हुंदा तो पादरियां नूं जरूर मिलदा। अज दुनिया दे अंदर अशांति ना फैलदी, घर घर दे अंदर हर दिल दे अंदर उस परमात्मा दा प्यार हुंदा। साडे सतगुरु महाराज कृपाल नूं पुछिया पछम दे अंदर कि दुनिया च अमन किस तरह हो सकदा है, वो कहण लगे जितने भी धर्म ग्रंथ है सब दे उत्ते अमल करना हो सकदा है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे आ कि असी अमल कर नहीं रहे, वंडियां पा रहे हैं, लोकां नूं लड़ा रहे हैं, किस तरह परमात्मा मिल सकदा है, जिहड़ी चीज साडे अंदर है वो बाहरों किस तरह मिल सकदी है। जिहड़ा आदमी जिहड़ी औरत साडी मर्जी दे मुताबक भगती नहीं करदा जां कोई समाज उहनूं असीं डंडे और तलवारां फड़ के मारदे हैं कि तेरी भगती दा तरीका ही ठीक नहीं, चाहिदा तां इह है कि अगले नूं प्यार दे नाल समझाइए कि प्यारिया असीं इस तरीके से चल के कामयाब होए हैं, अगर तेरी समझ दे विच भी आउंदा है तां तू फायदा उठा सकदा है। जो काम प्यार कर सकदा है वो नफरत नहीं कर सकदी। गुरु गोबिंद सिंह ने प्यार नाल कहा कहां प्यो जो दो लोचन मूंद कर बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नात फिरे लिए सात समुंदर लोक गयो पर लोक गवायो। तो कहन लगे कि की हो गया, अखां बंद करके बैठ गए, बगला भी अखां बंद करके एक टंग दे पार खड़दा है। इस वास्ते वो कहन लगे लेकिन बगरे दी कारगुजारी की है, वो डड्डा नूं खांदा है। महात्मा चरणदास ने कहा सुंदर रूप महा बगले दा एक टंक जल ध्यान, मन में आसा मीन गहन की कहां मिले भगवान। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि वो परमात्मा जिहदी सानू खोज है वो साडे अंदर है। कबीर साहब कहंदे है
ਵਸਤੂ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਢੂੰਡਦੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰ ਬਚਨ ਪੰਨਾ 126, ਸ਼ਬਦ 20, ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ। ਖੋਜਰੀ ਪਿਆ ਕੋ ਨਿਤ ਘਟ ਮੇ, ਖੋਜਰੀ ਪਿਆ ਕੋ ਨਿਜ ਘਟ ਮੇ, ਜੋ ਤੁਮ ਪਿਆ ਸੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੋ ਚਸਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੋ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੋ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਦਿਲ ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਭੇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਰਬੂਜਾ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਕਟ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਖ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਤਲੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮੋੜੇਗਾ, ਹਦਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਮ ਪਿਆ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੋ ਪਟ ਕੋ ਮਤ ਜਗ ਮੇ, ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਕਰਮ ਚਾਰਾ, ਯੇ ਅਟਕਾਵੇ ਮਗ ਮੇ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਤੀਰਥ ਵਰਤ
जप तप करके असि सोचते हैं कि साड़ी मुक्ति हो जाए या हो जाएगी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ नाम सलाही। के बाहर तुसी जितना भी मर्जी श्रेष्ठ कर्म कर लो, धर्म कर लो, बेशक ना करनो अच्छा कर्म अच्छा है, लेकिन जे असी ये कहिए कि असी परमात्मा नूं पा लवांगे, ये साड़ी भुल है, गलती है। गुरु नानक देव जी महाराज तां इत्थों तक कहिंदा है, कर्म धर्म पा खंड जो दिसे तिस जम जो गाती लूटा। वो कहिंदे ये जेड़ा कुछ तुसी आपदियां ने श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, ये मालक दे दरबार विच तां इस तरह जिवें कोई पखंडी आदमी पखंड करदा है। कबीर साहब कहिंदे आ, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खलौना जाना। जितने भी असी बाहर चिन्ह चक्कर धारदे हैं, इन्हां नाल अगर परमात्मा मिलदा होवे, होर सस्ता सौदा की हो सकता है। महात्मा दसदे है, अगर वह परमात्मा तीर्थां ते जाके मिलदा हुंदा, उत्थे कबीर साहब कहिंदे बड़े ही डडुआं मच्छियां हन, अगर वह मुक्त नहीं हुंदे असी किस तरह हो सकते हैं। इतिहास दे विच साखी आउंदी है, एक गुरु रामदास जी महाराज का सत्संगी सी, वह हरिद्वार के नज़दीक रहिंदा हुंदा सीगा, और एक वैष्णव साधु सीगा। उहदे दिल च हमेशा यही ख्याल हुंदा सीगा कि तीर्थ ते नहा के गंगा विच इशनान करके ही मुक्त हो जावांगे। उसका यह परण सीगा कि जिस आदमी ने गंगा इशनान किया होवे उहदे घरों खाना खाना, बाकी दे किसी घरों खाना ना खाना। एक दफा वो इसी तरह चलदा चलदा गया, अगे गुरु रामदास जी का सत्संगी सी, सिख सी, वो हरिद्वार के बिल्कुल नज़दीक रहिंदा सीगा। वो उस दे दिल च ख्याल आया कि जिहड़ा कोले रहिंदा ये तो रोज ही इशनान करदा होना, इहनू पुछण दी की लोड़ है। बल्कि जिथे एक दिन ठहरना सी उत्थे दो तीन दिन ठहरिया, बई ये तो बड़ा अच्छा है, थकेवां लाइए। एक दिन गल्लां गल्लां विच गल होई कि जी तुसी तो रोज गंगा इशनान करते होंगे, बड़े भागा वाले हो। वो कहन लगे, मैनू तो पता ही नहीं गंगा है कित्थे, मैं तो कदे गया नहीं गा। हुण उहदे दिल नूं बड़ी ठोकर लगी कि मेरा तो इसने धर्म ही भ्रिष्ट कर दिता, मेरा परण सीगा। वो बुरा भला कहिंदा जान लग्या। जद रात पई, इतिहास चाहुंदा है कि रात नूं तीन गऊआं आउंदियां सन, गंगा जमुना सरस्वती, गऊआं दा रूप धारिया होया सीगा। वो पुछण लग्या कि तुसी किहड़े पासे इस वेले, कोई तुहाडे मगर चारण वाला है नहीं, बन्नण वाला नहीं गा, कौन हो तुसी? वो कहिंदियां असी एक गंगा जमुना सरस्वती हैं, लोग पापां दी मैल साडे विच पाउंदे है, पाप करके साडे विच नहाउंदे है, साडी दुर्गति होई पई है। असी वो नाम जपदा है, वो बड़ा उच्चा महात्मा है, जेड़ा उहदा नहाउण वाला पानी है, असी उहदे चिले दे विच जा के रोज उही गरदा पा के उत्ते आपदे पापां नूं जेड़ा है वह निवृत्त करदियां हां। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे है, गुरु साहिब दी बाणी च लिखदे है, तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरे गमान, नानक ने फल जात है ज्यों कुंचर इशनान। बुल्ले शाह तां इत्थों तक कहिंदा है, असी कदे भी ऐसी निगाह नहीं करदे कि असी जो दान करदे हैं कि इहदे विच साडा कितना अपनी खून पसीने की कमाई है, कदे सोचदे हैं? दिल च यह ख्याल आया कि शायद ये करन दे नाल सानू परमात्मा मिल जाएगा। गुरु नानक कहिंदे है, पहला तो असी वो दान का जिहड़ा फल है आपदे बूहे ते खराब कर लैंदे हैं। दे दे मंगे सहसा गुणा, शुभ करे संसार। कहिंदे दे के असी हजारा गुणा एक रुपया दिने हैं तो कहिंदे हजार सानू मिल जाए, संसार साडी शुभ तो ही करे, अखबारां च भी निकले और साडे नां दा पत्थर भी लग जाए भी असी इन्ना दान किया है। शुभ करे संसार, भी साड़ी संसार शोभा भी करे। लेकिन कदे गुरु नानक साहब कहिंदे ये सोचा, जिस परमात्मा ने सानू चंगी सेहत दिती है, अन्न धन दिता है, हर चीज सानू उसने दिती है, बच्चे दिते है, कदे उसने भी अरदासां कराईयां भी मैं थानू आ दिता, या अखबारां च कढ़िया कि मैं फलाने नूं आ कुछ दिता। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल दसदे है
कि ये कर्म करके असि मुक्ति पालदे हैं कि सानू शायद मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन महात्मा सानू दसदे है कि नाम तो बगैर ना तो अजे तक किसी नू मुक्ति मिली है ना मिली सकती है। केड़ा नाम? महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी अगर नाम कोई अक्षर हुंदा तो 5 साल की लड़की दे सकती सी। की लोड़ सी गुरु अमर देव जी महाराज नू बुढ़े बारे कुड़मां दे घर कोई मामूली आदमी रवे ते आपा उस नू मेहने मारदे हैं कि उस वक्त की दुनिया केड़ा उन्हां नू ताने वेले नहीं मारदी सी, मारदे सन। लेकिन इश्क इश्क ही हुंदा, प्यार प्यार ही हुंदा है। उहदे दिल दे अंदर प्यार होया तड़क उठी के नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, गुरु तो बगैर नाम नहीं मिलदा गा। उसने दुनिया दे तान्या मेहना दी परवाह नहीं कीती, बुढ़े बारे 12 साल जाके अंगद देव दा पानी ढोया, ब्यासा दरिया ते जाना गोंडवाल तो सीधे मुंह पिठ नहीं करदे हुंदे सीगे और पुठे जाना सीधे आ जाना। तुसी देख सकते हो अगर नाम तो बगैर मुक्ति हुंदी वह भी किसी लड़की तो कोई लफ्ज लेके जप सकदा सीगा। बड़े बड़िया नूं आके गुरु दे दर ते धौण चुकाउणी पई, क्यों बई मुक्ति दा जो रस्ता है, मुक्ति दा जो परवाना है, जो मुक्ति दी कमीशन है, वह पूरे सतगुरु दे पास ही परमात्मा ने रखी हुई है। जिसका ग्रह तिस दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनक अपौ करे नहीं पाए बिन सतगुरु सरणाई। जिस परमात्मा ने शरीर नूं ताला लाया है, गुरु नानक कहिंदे है जिसने शरीर बनाया उसे ने ताला ला के कुंजी गुरमुखा दे हवाले कीती है। अपनी मन बुद्धि ना असी उस नूं पा नहीं सकदे गे। तीर्थां दे मुतालिक तुसी सोच सकदे हो, जिथे अज असी तीर्थ नहाउण जाने हैं, महात्मा किसी भी तीर्थ की निंदा नहीं करते गे। तुसी इतिहास पढ़ के देखो, उत्थे कोई ना कोई महात्मा ने तप अभ्यास किया है। कुलैत क्यों जाने हैं? कपिल मुनि ने तप अभ्यास किया। अमृतसर क्यों जाने हैं? उत्थे गुरु साहिबाना ने सत्संग किया, नाम अभ्यास किया। हरिद्वार ते श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपना तप अभ्यास किया। इस वास्ते वो साडे तीर्थ बन गए है। लेकिन असी जो महात्मा की बाणी दे विच लिखिया है असी उस दे उत्ते अमल नहीं करते। गुरु नानक देव जी भी महाराज कहिंदे है जे तुसी ए सरोवर विच अजो 6 फुट का परमात्मा ने सानू दिता है इशनान करोगे ता ही तुसी मुक्त हो सकते हो। आप कहिंदे शरीर सरवर है संतो, गुरु नानक कहिंदे सच्चा सरोवर तुहाडा ये शरीर है। इशनान करे लिव लाए, नाम इशनान करे से जन मुक्ते शब्दे मैल गवाए। नाम दे विच जाके इशनान करो, ये शरीर ही थोड़ा सच्चा सरोवर है, ये सच्चा हरिमंदर है। लेकिन इत्थे आके असी भुल जाने हैं जो अपने हथां पैरां नाल असी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाने हैं उन्हां दी आपां किन्नी इज्जत करते हैं, किन्ना प्यार करते हैं। अगर गलती ना किसी विच थोड़ी बहुत कोई दराड भी आ जाती है, आपां परमात्मा दे बनाए हुए मंदिर हजारां ही ग्राउंड वास्ते जा वड़दे हैं, फिर असी अपने आप नूं शहीद कौम दे रखवाले कहने हैं। सोच के देखो ठंडे दिल ना, अगर इंसान नूं इंसान मारन दे नाल ही परमात्मा मिलदा होवे, शहीद बनदा होवे, एदू सस्ता होर सौदा किहड़ा हो सकदा है। सन 47 दे विच मैं देखिया है कि एक एक बंदे ने कई कई बंदे निर्दोषे मार दिते सन। अगर इस तरह शहीद होंदे या मुक्त होंदे वो तो सारे लोग मुक्त हो जाने चाहिए सन। नहीं, महात्मा सानू प्यार ना कहिंदे है, जिन्हां दा परमात्मा दे नाल प्यार है उन्हां दा परमात्मा दी मखलूक दे नाल भी प्यार हुंदा है। हर अंदर भगवान समझदे हैं ते असीं कतल किस नूं करन लगे पए हैं, नफरत किस नाल करन लगे पए हैं। इस वास्ते महात्मा जद भी आउंदे है कि प्यारे हो जे तुसीं परमात्मा नूं पाउणा है तां बाहर ढूंढण दी लोड़ नहीं, तुसीं आप दे अंदर जाओ। जितने भी तुसीं बाहर तीर्थ वगैरह ते जाने हो, कर्म वगैरह करते हो, ये सारे थोड़े बंधन का कारण हैं, ये थानू रस्ते च अटका लेंदे हैं जी। तीर्थ बरस कर्म ये अटकावे मा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕੁੱਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਲੱਜ, ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵੀ ਤਿੱਕਲ ਵੱਧਾ ਛੱਜ। ਪੱਥਰ ਆਪ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਡੁਬਿੰਦੇ ਆਪ ਸੇ ਤਾਰੇ ਕਿਨਖੇ, ਤਰੰਦੜੋ ਪੀ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਿਰਸੋ ਰਤਿਆ। ਜੋ ਆਪ ਤਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟੋਪੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਲੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਭਾਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਏ, ਕਾਮ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਮਿਸਾਲ ਚੂਹੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਖੱਡਣਾ ਮਾਵੀ ਤਿੱਕਲ ਵੱਧਾ ਛੱਜ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੂਹੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਤਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਚੂਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਜ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲੀ ਕਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਚੂਹੇ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਉਹ ਖੁੱਡਾਂ ਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਜ ਬੱਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਚੇਲੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਕਾਲ ਜਦ ਆ ਕੇ ਸੰਘੀ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੈ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦਸ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਪਣੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਵੀ, ਅਮਰਦੇਵ ਦੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਨੀ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਤ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਭਜਨ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ,
और संगत तो भी करवांदे है। ए नहीं संगत दी अखां बंद कराईयां ते आप चुप करके मंजी ते पै गए सुते पए है, ऐसा नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है कि महात्मा आप करदे है उही लोकां नूं डेमोंस्ट्रेशन दे सकदे है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है कि भी प्यारे हो थानू बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो परमात्मा थोड़े अंदर है। किस तरह है कि जिस तरह फुल दे अंदर खुशबू है, शीशे दे विच ही रोशनाई है जी। जब लग सतगुर मिले न पूरे कुछ तुसी अज कर्म धर्म करदे हो ए थानू ही खाना पैना है। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है लै दिते बिन रहे ना कोई, ए सानू ही असी खाना है। जो बीजे सो उगवे खांदा जाना जियो, जो असी बीजदे हैं ओ जरूर उगदा है। जदों असी उन्हां जूनियां च जाके खाने हैं फिर असी कहने हैं कि जी सानू इस चीज का क्यों दर्द है, असी तां कीता ही कुछ नहीं गा। लेकिन महात्मा प्यार दे नाल कहिंदे है कि देख भी प्यारिया बगैर कीता तेनू कर्म नहीं लग्या, तेरा कीता ही तेनू मिल रहा है। बिन किया लागे ना ही किया ना बिरथा जाए। फिर से हर जगह जाके पता लगता है जो प्रेमिया दे पत्र पढ़ते हैं या इंटरव्यू दे विच मिलते हैं उदो पता लगता है दुख की पन्ना खोलिया सुख ना निकलिया कोई। उदो कोई सुख की गल होवे ता किसी कोल कोई आके करे। बड़े बड़े महात्मा आए, किसी ने इन दुखां दी दात्री करके बयान किया है, गुरु नानक ने संसार नूं रोगी करके बयान किया है और परेशानियां दा देश करके बयान किया है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है कि नाम मिलेगा नहीं, नाम तो बगैर मुक्ति नहीं। तुसी इंसान दे जामे तो जो फायदा उठाना सी वो उठा नहीं रहे, भैड़िया खोटिया जूना च फिर चले जाऊंगे जी। नाम सुधारा से कभी न पाओ, पर मो जोनी खग में पंडित कारी पेख शेख सब लगे। जिन्ना ने दुनिया का ठेका लिया है, ठेकेदार बने है और जेड़े साडे आगू बने है, कहन लगे पंडित है, शेख है, भेख है, वो कदम कदम ते अक रहे है। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे है पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। लोकां नूं तां असीं पढ़ पढ़ के जाके सुनाउने हैं कि इस तरह नहीं इस तरह करो। आपदा घर काम नाल क्रोध नाल लोभ मोह हंकार दे नाल सड़ रहा है। लोकां दे करे बखैला लई फिरदे हैं, मशकां पाणदियां लई फिरदे हैं बजाउण वास्ते। तुसी सोच के देख लो, वो भी विचारे परेशान है जिन्हां दे घरां नूं अग लगी है, असीं खुद परेशान हो जाने हैं। इस वास्ते गुरु साहिब कहिंदे है सब नूं पहला अपनी अग बजाओ, पहले मन पर बोधे अपना पीछे अवर जावा। पहला तुसी आपदा मन सारे संतिया ने उच्चा सुचा जीवन बिताउण ते जोर दिता है। साडे सतगुरु महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि गंदी कोठड़ी विच गंदे मकान विच किसी बादशाह दा असी ये कहीए इत्थे आवेगा वो बिलकुल ही नामुमकिन है। वो नहीं आएगा। अगर बादशाह नूं सदना है, असी करे बिठाउणा है, तो उस जगह नूं सानूं संवारना पएगा, साफ करना पएगा। गुरु नानक ने कहा कि उच्चा सुचा जो जीवन है, बेशक परमात्मा सब तो उच्चा है, लेकिन जेड़ा उच्चा सुचा जीवन है वो एदू भी उच्चा है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे कदे भी शराबियां कबाबियां दे अंदर वो परमात्मा किस तरह प्रगट हो सकता है। महात्मा सानू दसदे है नाम और काम की दुश्मनी है, जिस तरह नेरे और प्रकाश की दुश्मनी है।
जिथे प्रकाश हो गया अंधेरा रहिंदा नहीं गा, जिथे नाम प्रगट हो गया काम अलोप हो जाता है। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल कहिंदे आ कि एक बुरा ख्याल अभ्यासी नू ब्रह्मंड दी चोटी तो थले लिया लै आउंदा है। बरियाई दा मूंह सदा ही थले है, जिवें बर्फ की चोटी तो बंदा गिरिया होया सीधा जमीन ते आउंदा है। यही हालत है। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार नाल कहिंदे आ कि पवित्र हिरदा, पवित्र ख्याल, पवित्र मन असी करांगे तद ही साडा नाम की तरफ ख्याल लगेगा। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे आ कि पंडित शेख पेख एक कदम कदम ते अटक रहे है। एक जगह स्वामी जी महाराज कहिंदे आ पंडित भेख पेट के मारे वे संतन पर कर दे तान, हित कर संत उन्हें समझावे वे माने ही नहीं माने आन। क्योंकि महात्मा जद आउंदे है उह सच्चाई का होका दिंदे है, इन्हां दे रुजगार विच जद फर्क पैंदा है ते उन्हां दी आलोचना करदे है, लेकिन संत उन्हां नूं भी प्यार नाल सदके समझाउंदे है कि प्यारे हो अगर तुसी इस तरह अंदर बैठोगे, ख्याल नूं बाहर हटाओगे, तुसी भी कामयाब हो सकते हो। जो ग्रंथ तुसी रोज पढ़ते हो तुसी उहदे विच लिखिया देख सकते हो। जब गुरु रामदास जी के उपर कुछ पंडितां ने अकबर दे पास जाके दरख्वास्त कीती कि वेखो जी ये बहुत सारे चेले बनाई बैठा है, ये गीता तां इहनूं पढ़नी नहीं आउंदी अच्छी तरह, जद ये गीता ही नहीं जानता, संस्कृति नहीं जानता गा, ये किस तरह गुरु पदवी का अख्तियार हो सकता है। उन्होंने अकबर गुरु अमरदेव जी को पहला आ चुकया सी, उन्हूं पता सीगा, पर फैसला देन वास्ते पंडितां नूं गुरु रामदास नूं सद्या भी प्यारिया आ तेरी शिकायत हो रही है, कहिंदे भी ये संस्कृत नहीं जानता, गीता नहीं पढ़न जानता गा। वो कहिंदा हाँ जी ये तो सच्ची गल है जो ये कहिंदे है, पर जेड़ा तात्पर्य गीता दा है ये बोल लै, मैं वो समझा दूंगा। इस वास्ते साढ़े सतगुरु महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी एक संत वास्ते किसी की भाषा नूं अपना लेना कोई मुश्किल की बात नहीं हुंदी गी, लेकिन ऐसा संत नहीं कर देगे, वो कुदरत दे कानून दे मुताबिक ही जिउंदे हन संसार दे विच, नहीं तो हर एक दे नाल की एक मामूली गल है। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी एक सत्संगी जिहड़ा है उहनूं भी एक लंगड़े नूं लत दे देनी केड़ी मुश्किल है, अन्ने नूं अख दे देनी केड़ी मुश्किल है, लेकिन नहीं संत खुद ही कुदरत दा निजम नहीं तोड़ देगे, खुद भी उस परमात्मा दे हुक्म विच रह के खुश है, उह परमात्मा दी बादशाही कबूल करदे है। और आपदे सेवकां नूं भी यही कहिंदे आ कि मालक दी हुकूमत दे विच रहो तुसीं। बाबा अटल राय दी साखी असीं सारे जाणदे हां, 7 साल दी उहनां दी उमर सी, गुरु हरगोबिंद दा लड़का सी, उह बाहर लड़कियां दे विच खेड रहे सन, एक लड़के दे जम्मे पित आ गई, मोहन उहदा नाम सीगा, जद पित आई रात नूं खेडदे खेडदे विचे खेड छड के घरे आए, मालक दी मौज, उहदी मृत्यु हो गई, तड़के गए, मापे रो रहे सी कि जी लड़का तां गुजर गया है, मर गया है। उह बड़े भैभीत जिहे होके कहण लगे नहीं इह मरिया नहीं, साडी पित देण दा मारिया इह पिया होया है, बाह फड़ी तो उस नूं खेड दे मैदान विच ले गए। जद गुरु हरगोबिंद नूं पता लग्या उहनूं सद्या, कहण लगे भी देख बेटा इहदा मुल या तां मैं शरीर छड्दा या तूं छड्ड। कुदरत दे निजम दे खिलाफ भुल के भी नहीं करना गा, अगर संती उस मालक दा हुक्म नहीं मन्नणगे जिहड़े कि प्यारे बच्चे है होर कौन मन्नेगा। इतिहास गवाह है कि उसे थे वो चादर लेके पै गए, अपना शरीर छड़ गया बाबा अटल राय, 9 मंजिला महल उन्हां दी समाधि ते बनया होया है।
इस वास्ते आ प्यार दे नाल कहिंदे आ कि महात्मा संसार दे विच आउंदे है, उह सानूं दसदे है पंडित काली के तुसी प्यारे हो, अंदर जाओगे तो परमात्मा नूं मिल सकोगे, जिहड़े जिहड़े बाहर ही अशांत है तुहानूं किस तरह अंदर ले जा सकदे है जी। पंडित कारी पेख शेख सब अटक रहे डग डग में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में। इना दे नाल इना दी सोबत करके कदे भी तुहानू परमात्मा नहीं मिलेगा, पिया तां तुहानू ओ परमात्मा तां साध संगत दे जरिए ही मिलेगा। महात्मा ने सत संग दी महिमा रात दिन गाई है, गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। साडा शराबियां कबाबियां दा कामियां भोगियां दा हिरदे जो सुक जांदे है, खुशक हो जाते हैं, परमात्मा की तरफ नहीं आते गे, जब असि महात्मा की संगत और सोबत जाने उड़े हिरदे तर हो जाते हैं, असि समझ लग जाने हैं, साड़ी आत्मा जन्मा जन्मात्रा की सुती है जी जाग पी है। इस वास्ते आपने सत्संग की महिमा गाई है। कबीर साहब अपनी बाणी के कहते हैं कि मन मेरा पंखी पिया उड़ कर चढ़े आकाश, स्वर्ग लोग आली पड़िया ते सहब संतां पास। कहन लगे मेरे दिल च ख्याल सी भी शायद स्वर्गां च तां जरूरी होना है, मंदरां च होना है, लेकिन जद मैं उपर गया स्वर्ग खाली देखे, थले निगाह मारी मालक दे प्यारे जिथे सत्संग कर रहे सीगे ओ परमात्मा उत्थे बैठा सीगा। कबीर साहब कहिंदे है सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त का ते संत जपाए नाम। इस वास्ते सारे महात्मा ने सत्संग दी महिमा गाई है, जैसी संगत वैसी रंगत। असी आम तौर दे उत्ते कहने हैं शराबियां कबाबियां दी आपां संगत सोबत विच जावांगे शराब पीण दी आदत पै जांदी है, जुआरिया की संगत जावांगे जुआ खेडन की आदत पै जांदी है, अगर नाम शब्द की कमाई वाले पास असी जावांगे साडे दिल अंदर भी नाम शब्द जपण का शौक मेरे तड़फ पैदा हो जाती है। महात्मा सानू दसदे है जद असी भैड़े खोटे कर्म करके बुराइयां दीआं कंधां उसार लैंदे हैं उहदा किसे नूं दुख नहीं गा, उहदा सानू खुद ही दुख हुंदा है। इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल सानू दसदे है कि किस तरह संसार विच रहना है, किस तरह अपने जीवन नूं बनाउणा है, किस तरह असी शब्द नाम की कमाई करनी है जी। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में, ये तो भूले दिखे बास में, परम तसे इनकी रग रग में। आप कहने लगे ये कित्थे फसे हुए लोग है, विषय वासना विच फसे हुए है, परम इन्हां दी रग रग दे विच फसिया होया है। साडे सतगुरु महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सीगे वी देखो प्यारिओ जिहे जिहा किसे दा तुसी अन्न खाओगे उहो जिहा तुहाडे मन ते असर होएगा। उह कहिंदे सी किसे दा मुफ्त ना खाओ, जे तुहाडे कोल पैसा नहीं उहदा कम कर दिओ। लेकिन जिहड़े लोग इस तरह चढ़ावे खांदे है कि उहनां दा मन शांत हो सकदा है, कि उहनां नूं परमात्मा मिल सकदा है। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सीगे एक आदमी आया साडे आश्रम दे विच, उहने कुछ काफी सारी माया उहनां दे अगे रखी, कहिण लगे जी तुसी इहदा कोट बना के पायो गल च। उह कहिण लगे वी देख मैं तेरी माया सफलता कर दिंदा, किसे नूं ला दिंदा, पर कोट मेरे कोले है। तेरी सफल हो जाएगी, लेकिन नहीं, उन्हें बड़ी जिद की, उन्होंने कुछ पैसे कढ़े, वह कहने लगे आ ला तू बना ली कोट।
गंगानगर दे विचो आए, जिस जगह उन्होंने एडवांस पार्टी ठहरी सी उस पंचायत करदियां नूं उन्होंने खुद पैसे दिते कि भई साडी पार्टी इत्थे ठहरी है, तुहानूं काफ़ी तकलीफ होएगी, पंडित आया तिलक करन वास्ते भी कुछ ना कुछ मैं भी इहदे तिलक लावां। ਉਹ ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਤਿਲਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੰਦੂਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਜੱਗ ਪਵੇ ਘਰ ਘਰ ਪੀਛਿਆ ਲੇ, ਦਰਗਾਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਹ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਯੇ ਤੋ ਫੂਲੇ ਬਿਖੇ ਬਾਸ ਪਰਮ ਤਸੇ ਨੇ ਕੀ ਰਗ ਰਗ ਮੇ ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਬਗੈਰ ਸੰਤੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਸਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਬਾਅਦ ਮੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਓ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਰ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਅਤਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਵੇ ਤੋਏ ਕਹੀ ਅਲਗ ਮੇ, ਜਬ ਲਗ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਨਹਿ ਤੁਮ ਕੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਲੇਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਚੀ ਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਚਿੱਤ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਦੇ ਚਾਨਣਾ ਆਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੀਵੇ ਸਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਓ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਮੇ ਬਣੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਬ ਲਗ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਨਹਿ ਤੁਮ ਕੋ, ਖਾਇਠ ਗਾਰੀ ਤੂੰ ਠਗ ਮੇ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਨ ਗਾ।
प्यार ना कहते हैं तुसी उस कुल मालिक दी शरण दे विच जाओ। वो परमात्मा जोत रूप नाद रूप शब्द रूप साडे अंदर विराजमान है कहण लगे तुसी उस दे विच जाके मिल जाओगे। जिस तरह पानी पानी दे विच मिल जांदा है एक हो जांदे है, इसे तरह साडी आत्मा वह शब्द परमात्मा दे विच मिल के यह भी परमात्मा रूप हो जाती है। जब लग संत मिले नह तुमको खाए ठगारी तू इन ठग में राधा स्वामी शरण गहो तो